हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। डेल्टा कॉर्प के शेयर में आज हम लोगों को 4.5% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। स्टॉक 250 रुपीज़ के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक लास्ट वन मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है, और तकरीबन 4.25% से भी ज़्यादा के तेजी के साथ स्टॉक जो है लास्ट वन मंथ में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो डेल्टा कॉर्प में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट क्यों हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 250 के लेवल को यहां पे क्रॉस करने का 3 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका था, बट स्टॉक कभी भी 250 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। एक बार के लिए यहां पे जरूर 250 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, बट यहां पे अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको कैंडल देख के ही नेकेड आई से विजिबल है, जो ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट डे से हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला, अगेन वापस से ट्राई किया, वापस से यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट किए। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद स्टॉक जो है 250 रुपीज़ के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक एक रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है। एक रेंज को कभी भी अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलता है। जो यहाँ पे प्रोजेक्शन रहता है, कभी भी अगर रेंज ब्रेकआउट होता है, जो ये ट्रेडिंग रेंज रहता है, इसका डबल जो है वो टारगेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएटली हम लोगों को 290-300 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है। क्यों स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो स्टॉक ऑलरेडी अपने नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस मंथ में स्टॉक ने उस सेम लेवल को वापस से रीटेस्ट किया, और उसके बाद प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 250 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो आपको 330-340 के जोन में है। तो स्टॉक के पास एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे कि स्टॉक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो इस स्टॉक में अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है, आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं, या अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है तो फिर आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और नीचे की साइड में लोअर लेवल के नीचे जो है अपने एसएल को प्लेस कर सकते हैं 230 के नीचे। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।